ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਦ ਨਵਾਜ਼ਣ ਹੈ ਸਿਗਰਟ ਜੀ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਲ ਗਏ। ਬਿਲੇਡ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 2 अमित भाई का नया गाना आ लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गाना सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो सॉन्ग का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके सुन लो। तो आज की वीडियो में करेंगे ब्लेड डेक निशान 2 गाने का रिव्यू, तो भाई वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अमित भाई का ब्लेड डेक निशान गाना सुपर डुपर हिट गया था और बहुत ही वायरल हुआ था वो गाना। तो अब इसका सेकेंड पार्ट ब्लेड डेक निशान 2 आ गया है। इसकी लिरिक्स की बात करें तो कमाल की लिरिक्स हैं भाई, बिल्कुल दर्द भरी लिरिक्स हैं इसकी। जब तेरा जागा टेम हो वैसे मैं पीने लग गया। और जिस तरह सॉन्ग की लिरिक्स दर्द भरी है, उसी तरह अमित भाई की इस सॉन्ग में आवाज़ भी बिल्कुल दर्द भरी है। जिस तरीके अमित भाई ने गाया है, बहुत ही कमाल का लग रहा है सॉन्ग। बगेरा ढूंढ की तरह सावे तेरा इतना नोटा वाले यार मिल गए। और इस गाने में मॉडलिंग की है दीप कालीरमन भाई ने, और दीप भाई ने भी कमाल की एक्टिंग की है, बिल्कुल नशेड़ी बन गए हैं इस गाने में वो। गाने की स्टोरी के हिसाब से और भाई वो इस सॉन्ग में एक बात सोचने वाली है, आप लोगों ने इस पर गौर किया ही नहीं किया ये पता नहीं, लेकिन मैंने ये बात का गौर किया है। गाने के लिरिक्स में नाम है सुल्तान सैनी, आप इस पोस्टर में देख सको हो, लेकिन आप एक क्लिप देखो अभी और उसको ध्यान से सुनना। भाई अमित भाई ने ये गाना जब थोड़ा सा आउट किया था, तो उस टाइम अमित भाई ने बोला था कि सिंगल लिरिक्स म्यूजिक अमित सैनी रोहतक किया। चलो भाई फिर भी म्यूजिक की तो सोच सके हैं कि म्यूजिक तो अमित भाई ने बाद में जीआर से भी करा लिया होगा, लेकिन लिरिक्स में नाम है सुल्तान सैनी। तो भाई आपको बता दूं, सुल्तान सैनी यानी कि मंजीत सैनी, वो है अमित भाई के टीम मेंबर और बहुत ही करीबी उनके वो दोस्त भी हैं। तो एक बात तो भाइयों ये भी हो सके कि अमित भाई ने मंजीत सैनी का नाम इस गाने में लिख दिया हो अपने नाम की जगह। और भाइयों दूसरी बात ये भी हो सके कि शुरुआत के एक दो अंतरे अमित भाई ने लिखे हों और बाद में इस गाने को मंजीत सैनी ने पूरा करा हो। इस बात को मैं वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ यूट्यूबर भाई हैं मेरे जिन्होंने ऐसा लिख दिया थंबनेल पे कि अमित सैनी का नाम काटा गया ब्लेड डेक निशान 2 गाने से। तो भाई सच्चाई बताना जरूरी थी, नाम तो नहीं कटा है लेकिन ये हो सकता है। और सॉन्ग के आखिरी में जो डायलॉग बोला गया ना दीप भाई के द्वारा, वो कमाल का डायलॉग लगा भाई। वो पता नहीं किसने लिखा है, लेकिन जिसने भी लिखा है लाजवाब डायलॉग लिखा है। इस धोखे वाली नहर में तू तिर गई के, धोखा मौत ने भी दे दी तू, सच्ची बता मर गई के। तो सॉन्ग बहुत ही कमाल का। अभी इस गाने पर थोड़ा रिटेंशन कम है, तो इसलिए कह रहा हूँ जिस भाई ने गाना नहीं देखा सबसे पहले जाके गाना देखो, लाइक करो शेयर करो, और अपनी रिव्यू वीडियो अच्छी लगी है तो इसे भी लाइक कर देना शेयर कर देना। तब तक के लिए भाई जयराम जी की, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।